शायद पता भी चल सकती है, लेकिन वो बिल्कुल गायब है, वो पहले दिन के बाद से बिल्कुल गायब है। तो जब इंसान तकलीफ में होता है, दुख में होता है ना, तब सब बंदों की, सब दोस्तों की, सब रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है कि कौन आपका अपना है, कौन अपना हो के भी गैर है। खैर, काफ़ी र्यूमर्स भी चल रही हैं, उल्टी सीधी, सलमान ने कुछ किया होगा, सलमान ने कोई वीडियो बना दी होगी, सलमान ने ये वीडियो बना ली होगी, सलमान की कोई र्यूमर ये भी फैला रहे हैं, वीडियो थी हटा दी गई और पता नहीं क्या। सलमान की ऐसी कोई वीडियो नहीं है, सलमान के चैनल्स का एक्सेस है मेरे पास, सलमान के अकाउंट्स का एक्सेस है मेरे पास, तो मैं सब देख सकती हूँ। सलमान वो इंसान है जो जो हर कदम बहुत फूंक के रखता है, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदार इंसान है। मतलब मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे, क्योंकि उनको समझ है, अपने लिमिट्स में रहना जानते हैं। अब चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उनकी सोशल लाइफ हो, उनको आइडिया है। 15 साल हो गए उनको मीडिया इंडस्ट्री में, उन्होंने ऐसा आज तक कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसका रिएक्शन ये है जो इस वक्त आया है। तो सलमान के सारे अकाउंट्स का एक्सेस है, उस पर ऐसी कोई चीज़ ना लिखी गई है और ना है, ना कोई ऐसी वीडियो है जो थी, जो है, या जिसे रिमूव किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ जिस किसी को भी लगता है, तो प्लीज़ ज़रा मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे भी दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसी क्या चीज़ है जो बिला वजह फैलाई चली जा रही है। और अगर ऐसा फिर भी अगर उन्हें कुछ किया भी हो, जो कि मुझे पता है कुछ नहीं किया है, जिसको भी लगता है किया है, और जिन्होंने ये एक्ट किया उनको ले जाने का, तो उनको मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है हमारे मुल्क में, ठीक है, और उसके थ्रू भी काम किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू काम किया जा सकता है, लेकिन ये जो अभी काम हुआ है वो बहुत इलीगल, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल और जहालत का काम।